चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 56 53 क्वेश्चन नंबर 53 का क्या समझे 5/15 जो है ऑप्शन है आपका 53 में शांत है अशांत है ये आवर्तीय बीच में शांत अशांत बताता है यदि कि 15 तो 15 इसको काट के पहले काट के 3 के 5 3 2 के 6 3 5 के 15 यानी कितना गया 2/5 यानी हर में जो है हर में बचा गया 5 आ गया तो हर में जो खाली 5 रहता है चाहे दुख खाली पूरा रहता है वो शांत होता है इसका दशमलव प्रतिशत किसका होगा शांत होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 44 में क्या है 4-√3 कैसा संख्या तो ये अपरिमेय है कैसा अपरिमेय अपरिमेय है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 के 44 अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है तो जिसका जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वही का होगा अपरिमेय मतलब देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सी देखिए ऑप्शन नंबर सी पद क्या है 3/5 देखिए 3/5 कर दिया 5 ना तो 3 के वर्गमूल निकलेगा ना तो 5 के वर्गमूल देखिए किस संख्या है अपरिमेय अपरिमेय पूछा है अपरिमेय यही हो जाएगा जी आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है सॉरी अभाज्य नहीं अभाज्य तो सुना नहीं अभाज्य वही संख्या होता है जो एक से कटता है और खुद से कटेगा एक और खुद से कटेगा तो देख लीजिए इसमें एक और खुद से कटने वाला कौन है एक और खुद से जो कटने वाला है वो ऑप्शन नंबर 11 है ऑप्शन नंबर डी बी नंबर पे 11 11 देखिए केवल एक से जाएगा और खुद से जाएगा 11 की संख्या अभाज्य संख्या है कितनी संख्या अभाज्य संख्या है ऑप्शन नंबर डी 46 का ऑप्शन नंबर कितना है डी क्वेश्चन नंबर 47 47 में कहा है आपका कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या देखिए दो परिमेय संख्या मतलब 2 3 है और 4 है अब इसके बीच कितना परिमेय संख्या है कितनो निकाल सकते हैं 2 से भाग देते हैं फिर आएगा फिर 2 से भाग देते हैं फिर आएगा फिर 2 से भाग देते हैं यानी दो संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं अनंत कितना निकाल सकते हैं अनंत अनंत इसका ऑप्शन हो जाएगा अनंत इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 47 के ऑप्शन नंबर डी डी नंबर पर दिया अनंत इसको निकालते जाइए इसका अनगिनत है अब दो संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या सॉरी परिमेय संख्या निकाल देता है इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन देगा डी क्वेश्चन नंबर 48 समझिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है 11/15 देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार कैसे होता है कटेगा नहीं नहीं कटेगा तो देखिए 11 इसको गुणी 3 × 5 खाली 5 रहता तो इसका दशमलव प्रसार 7 होता खाली 2 रहता तब वो शांत होता लेकिन ये 3 आ गया है तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार का चुका अशांत होगा चुका अशांत चुका दशमलव प्रसार अशांत ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 49 49 पर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है तो देखिए अपरिमेय संख्या वो होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकला क्योंकि वो ऑप्शन में सब रूट्स हैं तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हां देखिए ऑप्शन नंबर सी पर आपका दिया है रूट 2.5 तो 2.5 का वर्गमूल पूरा पूरा वो नहीं निकलेगा आप सोच रहे 25 नहीं है उसे नहीं 25 मत समझिए 25 नहीं है ये 2.5 है 25 रहता तो उसका 5 होता था 2.5 इसका वर्गमूल सीधे नहीं निकल पाएगा इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन लेगा सी 49 का 49 का कौन लेगा सी 50 नंबर क्वेश्चन क्या है √2 है आप तो देख लीजिए पूछने वाली बात है √2 कैसा संख्या है पूछा ऑप्शन नंबर ऑप्शन दिया परिमेय अपरिमेय तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा देखो ठीक है अपरिमेय तो 50 का ऑप्शन नंबर कौन लेगा 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी डी नंबर पर लिखा है अपरिमेय 51 नंबर क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मान तो अब ये तो दो या दो से कितनों अभाज्य संख्या है भाई अभाज्य संख्या कोई लो देखो 2 ले लो 3 ले लो 5 ले लो 7 ले लो 20 ले लो 20 नहीं 20 नहीं 7 ले लो 11 ले लो इसका मौसम तो देखिए मौसम इसका हमेशा कितना होगा एक ही होगा कितना होगा एक
अभाज्य संख्या का मतलब कितना होता है, एक होता है, बहुपद का योग, इसका एक होगा। ऑप्शन नंबर कहां है, कितना नंबर को दिया है, 51, 51 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पर दिया है कितना, ए। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 का है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, ये आप चेक कर लीजिए खुद, ऑप्शन नंबर बी पाया कि यहां देखिए 2√2 बटा में √2 दिया, तो √2 से √2 कट गया तो आ जाएगा 2, 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दो क्रमिक संख्याओं का एलसीएम, क्रमिक मतलब होता है लगातार, तो कोई भी 2 को लगातार लीजिएगा ना तो उसका मौसम कितना होता है, 1 होता है, मौसम कितना होता है, 1, दो क्रमिक संख्या का, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 53 कितना हो जाएगा, एक, एक मौसम पूछा है तो मौसम कितना होता है, एक होता है। दो क्रमिक संख्या कुछ ले लीजिएगा आप अपने से, मान लीजिए 2, 3, देखिए क्रमिक है इसका मौसम कितना होगा, एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा कितना का, एक आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर को हम दिया। 54 क्वेश्चन नंबर 54 का है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी, ए बी का मौसम ए गुने ए कुमार बी का लसर निम्न में से किसके होगा, सुनिए तो ए गुना बी, इसका आसान है, ए गुने बी हो जाएगा, ए गुने बी, क्योंकि लसर और मसर के गुणनफल पहला संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो अभाज्य संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एचसीएफ, ये इसको क्या कहते हैं, मौसम, यानी मौसम निकालने का कैसे तकनीक है, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका ऑप्शन नंबर है बी, बी नंबर पर आपका मौसम लिखा है तो वही हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 56, हाँ 56 पूछा है कि पाई जो है कैसा है, तो सुनिए कभी भी पाई जो है, पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता है, ये लगभग मान होता है, पाई का मान 3.1 4 3 ऐसे डॉट करके जाते रहता है, कटता नहीं है, तो मतलब पाई सीधा सीधे अगर आप याद रखें तो पाई कैसा संख्या अपरिमेय होता है, कैसे होता है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56 के बी, 56 का जो जगह बी होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और आज हम लोग टोटल कितने देखे क्वेश्चन, 56 तक देखिए, बाकी टोटल बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।